देखिए, इस तरीके के कानून को बनाने की किसी भी तरह कोई ज़रूरत नहीं थी। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जिहाद लफ्ज़ मज़हब इस्लाम का एक मुक़दस लफ्ज़ है। इसको इस तरीके के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जबरन मज़हब तब्दील कराने के नाम पर पहले से कानून मौजूद है। इसलिए महज सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर इस तरीके से मज़हब इस्लाम को बदनाम किया जाएगा तो ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले शख्स के लिए एक अच्छी निशानी नहीं होगी। हमारा मानना है कि हमने जिस बात पर एतराज़ किया था, सरकार ने यही वजह है कि इस कानून में लव जिहाद का इस्तेमाल नहीं किया है। इस कानून का नाम अवैध रूप से धर्मांतरण निषेध विधेयक रखा गया है, जो कहीं भी ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले से जो कानून मौजूद थे उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी, नए कानून बनाने की मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत थी। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो ऑर्डिनेंस अगेंस्ट अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन पास किया है, इसमें ये बात काबिल गौर है और अच्छी है और हम वेलकम करते हैं कि इसमें लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जहाँ तक जो कवानीन बनाए गए हैं, जो इन ब्रीफ हम लोगों की नज़रों से गुजरे हैं, उसमें जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से किसी को भी अख्तियार नहीं है कि किसी को फोर्सफुल किसी का कन्वर्जन कराएं। और अपने यहाँ भी मज़हब इस्लाम में पहले ही से फोर्सफुल कन्वर्जन की सख्त मनादी है और अपने यहाँ बिल्कुल भी इसको नाजायज़ करार दिया गया है कि कोई किसी का ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराए। और जहाँ तक इसमें जो पेनल्टी और जो जेल टर्म रखा गया है, हम ये समझते हैं कि किसी भी कानून के जो बुनियादी मकसद होता है वो ये है कि किसी के भी ख़िलाफ़ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के भी ख़िलाफ़ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। और वो इस कानून के तहत भी हम तवक्को करते हैं कि वो इंश्योर किया जाएगा। और ये जो बात कही है कि अगर किसी को शादी करनी है कन्वर्ट होने के बाद, उस सिलसिले में उसको DM की परमिशन लेनी होगी, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर कहीं से भी किसी का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और राइट टू फ्रीडम पर कोई हर्फ नहीं लगता है, तो हम ये समझते हैं कि इस कानून में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको बस इस बात को देखना होगा कि जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है हर हिंदुस्तानी का, उस पर कोई सवालिया निशान तो इस कानून के ज़रिए से नहीं लग रहा है।